हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 17 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के थ्रू लाइन बाय लाइन समझा। हमने ये जाना कि सेक्शन 17 बेसिकली बाइगैमी को लेकर के पनिशमेंट के बारे में बात करता है और सेक्शन 17 में ये क्लियर कर दिया गया है कि बाइगैमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। और क्योंकि अब आईपीसी रिपील हो चुका है तो ये जो सेक्शंस हैं अब आ चुके हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 एंड 2 में। अपने अब तक के सेक्शंस को अगर हम रिकॉल करें, और मैं चाहूंगा कि आप भी साथ साथ में दोहराते रहिए ताकि अब तक के जो सेक्शंस हैं वो आपको याद हो जाएं। जैसे सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, जिसमें 5 कंडीशंस हैं। सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज, जो कि रिपील हो चुका है। सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। 10 जुडिशियल सेपरेशन। 11 वॉइड मैरिज। 12 वॉइडेबल मैरिज। 13 डाइवोर्स। 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 14 नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शनल हार्डशिप और दूसरा एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। सेक्शन 15 डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। 17 पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। तो अपने अब तक के डिस्कशंस में हमने इन सभी सेक्शंस के प्रोविजंस को विथ बेयर एक्ट विथ प्रॉपर इलस्ट्रेशंस कवर कर लिया। आप अगर वीडियो में नए हो और इन सेक्शंस के ऊपर एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। आज इस वीडियो में वी विल डील विथ सेक्शन 18, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस। 13 अदर कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, राइट। When we see Section 5 of Hindu Marriage Act, जब हम हिंदू विवाह अधिनियम के Section 5 को देखते हैं तो इसमें basically हिंदू विवाह के लिए कुछ आवश्यक शर्तें दी गई हैं। और अगर कोई हिंदू मैरिज solemnized होता है तो इन 5 conditions को, जो कि Section 5 में mentioned है, पूरी तरह से fulfill करता हो, राइट। तो सेक्शन 17 बेसिकली बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 बाइगैमी को एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है और हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगैमी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। देखो, जब हम सेक्शन 5 के क्लॉज 1 को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के दिन तक जिन 2 पार्टीज के बीच विवाह हो रहा है उनका पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इट इज
पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 17। और हमने देखा था कि आईपीसी का सेक्शन 494 ये कहता है कि इसमें 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 1,00,000 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 495 बात करता है कि जिस पर्सन से सेकेंड मैरिज परफॉर्म किया जा रहा है, अगर उससे इस बात को छिपाया जाता है कि उसका पहले से कोई जीवित पति या पत्नी है, तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट वैलिड मैरिज, अगर ऐसा होता है तो जो पर्सन ऐसा करता है उसे 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन इम्पोज किया जा सकता है। राइट। और बीएनएस में ये सेक्शन हो चुका है सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 एंड 2। तो यानी जब सेक्शन 5 के क्लॉज 1 का वॉयलेशन हुआ तो उसके लिए हमें पनिशमेंट देखने को मिला अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 17 है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है और ये एप्लीकेबल तभी है जब सेक्शन 5 के स्पेसिफिक क्लॉज विच इज क्लॉज 1 का वॉयलेशन होता है, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन दूसरे कंडीशंस का क्या, क्योंकि सेक्शन 5 में टोटल 5 कंडीशंस दिए गए हैं, तो अगर कोई मैरिज सोलेमनाइज्ड होता है और सेक्शन 5 क्लॉज 1 को छोड़ करके अदर क्लॉजेस के वॉयलेशन में वो मैरिज सोलेमनाइज्ड हुआ है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 18 का, जो बेसिक्स है सेक्शन 18 का, वो कंप्लीट हो गया होगा। अब क्या कहता है सेक्शन 18? एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई व्यक्ति जो विवाह संपन्न करता है, जो खुद का विवाह संपन्न करता है या करती है, इस एक्ट के तहत यानी हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के तहत, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल। कोई व्यक्ति, वेदर मैन और वुमेन, अगर अपना विवाह संपन्न करते हैं इस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, यानी दोनों हिंदू हैं तो उनके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और ये दोनों पर्सन्स जो अपने च्वाइस के बेसिस पर विवाह कर रहे हैं, तो ये जो विवाह कर रहे हैं इट इज सोलेमनाइज इन वॉयलेशन ऑफ, किसके वॉयलेशन में, सेक्शन 5 के क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 के वॉयलेशन में। सेक्शन 3 क्या है, एज ऑफ मैरिज को लेकर के है। सेक्शन 5 क्लॉज 3 सॉरी सेक्शन 5 क्लॉज 3 क्या है, एज ऑफ मैरिज को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसका 21 ईयर एज होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, और जो ब्राइड है शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर एज ऑफ मैरिज जो डिटरमाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 3, अगर दो पार्टीज जिनके बीच विवाह हो रहा है उन्होंने एज ऑफ मैरिज को कंप्लीट नहीं किया है, या उनमें से किसी एक ने वैलिड एज ऑफ मैरिज विच हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 3 दे हैव नॉट कंप्लीटेड और either of them have not completed, तो अगर विवाह पूरे सेरेमनीज पूरे रिचुअल्स के साथ हुआ तो ये जो शादी होगा वो वैलिड तो होगा लेकिन इट इज पनिशेबल, इट कॉल्स फॉर पनिशमेंट, जिसमें 2 साल तक का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो marriage of a minor is valid but
इट कॉल्स फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years अलॉन्ग विथ फाइन ऑफ ₹1,00,000. ठीक है, तो ये तो था कि अगर विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 3 के वॉयलेशन में होता है तो क्या पनिशमेंट है. अब सेक्शन 5 क्लॉज 4 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर उनके कस्टम उनके यूसेज इस मैरिज को अलाउ करते हैं तो फिर उनका जो मैरिज है वो वैलिड होगा. लेकिन अगर उनके कस्टम या उनके यूसेज इस मैरिज को अलाउ नहीं करते हैं तो अगर उनके बीच प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है फिर भी वो विवाह करते हैं तो उन्हें 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन लगाया जा सकता है. यही सेम चीज एप्लीकेबल है अगर विवाह इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 5 में होता है, यानी दोनों पार्टीज सपेंड रिलेशनशिप में आते थे और उनका यूसेज और कस्टम उस मैरिज को अलाउ नहीं करता था फिर भी वो विवाह संपन्न करते हैं तो उन्हें 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और ₹1,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है. ये जो फाइन होगा वो अप टू ₹1,000 होगा इन केस मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन वॉयलेशन ऑफ क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5. राइट, तो ये था सेक्शन 18 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे. टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी